आपका मोबाइल से अगर 1 साल या 6 महीने या 1 महीने पहले अगर कोई फोटो अगर डिलीट हो जाता है तो आप उसको कैसे रिकवर कर करके अपना हैंडसेट में कैसे ले, तो उसी के बारे में आज हम वीडियो बनाएं। तो कैसे आप उसको रिकवर करें और कैसे आप उसको अपना मोबाइल फ़ोन में लाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। और मेरा जो यूट्यूब, आप जब यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब के नीचे मेरा जो चैनल्स का नाम है उसके साइड में एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, उसको भी प्लीज़ दबा देना, क्योंकि मैं रोज़ाना इस तरह का वीडियो डालते रहता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा यानी एंड तक देखें और आप इसको सीखें। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। तो आपको इसलिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना है आपका जो मोबाइल स्क्रीन है उसमें आपको जाना है जो प्ले स्टोर में है, आपको जाना है प्ले स्टोर में। तो मैं लेके चलता हूँ आपको प्ले स्टोर में। इसमें आने के बाद आपको जो प्ले स्टोर है उसमें आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है। तो सॉफ्टवेयर का मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का नाम है रीस्टोर इमेज, सॉरी रीस्टोर इमेज। देखिए इस तरह से करने के बाद आपके पास एक लोगो आ जाएगा। देखिए मैं इसको पहले से इंस्टॉलेशन करके रखा हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आप इसको इंस्टॉलेशन कर लेंगे, बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है और मैं इसको इंस्टॉलेशन कर लिया हूँ और आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। करने के बाद ओपन करना है। देखिए जब आप ओपन करेंगे, देखिए रीस्टोर इमेज डेवलपर आपको इस तरह से आ जाएगा। देखिए अब इसमें 3 स्टेप्स है, यानी सर्च द इमेज यू वांट टू रिस्टोर, यानी आप अगर चाहे तो उसको सर्च कर सकते हैं। और देखिए रिस्टोर इमेज यानी जितना भी आपका इमेज फोटो वगैरह डिलीट हुआ है वो आप ऑटोमेटिकली रिस्टोर करना चाहते हैं। और अगर आप डोनेट एंड टिप टू डेवलपर रिमूव एड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसको जो इस ऐप्स बनाए हैं उसको आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक ऐप से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको छोड़ दीजिए, मुझे करना है अपना अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, यानी मुझे अपना फोटो मुझे बनाना यानी रिकवर करना है। तो कैसे करें, इसके लिए आपको करना क्या है, जो इस सर्च द इमेज यू वांट टू रिस्टोर तो आपको करना है उसी में आपको क्लिक करना है। करने के बाद देखिए आप जो कुछ भी डिलीट किए हैं, ठीक है, देखिए जैसे कि मेरा ये इसमें बहुत सारा मेरा फोटो है, मैं उसको डिलीट कर चुका हूँ, मगर पूरा दिख रहा है कि क्या क्या मैं फोटो उसको डिलीट कर चुका हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं सोचे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मुझे कुछ वीडियो जैसे मैं डिलीट कर चुका हूँ, कुछ फोल्डर IMG कुछ भी हो anyone आप कुछ भी डिलीट कर चुके हो तो आपको करना क्या है, आपको इजीली सिर्फ उसी फोल्डर के अंदर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे कि मेरा ज़रूरतमंद फोटो जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट जस्ट सेकेंड। जैसे चले मैं तो मेरा पुराना फोटो है, मुझे नया पुराना वाला फोटो चाहिए, तो इसके लिए मैं और आपको मैं और एक बात बताना चाहूँगी। देखिए अगर आप सोचते हैं कि मुझे रिसेंट का फोटो नहीं चाहिए, मुझे 3 महीना पहले जब डिलीट करें उसको चाहिए, तो आपको यानी 1 साल पहले जो हुआ है उसको चाहिए, तो इसके लिए वो करना क्या, देखिए इसमें डिस्प्ले ऑल ऑफ पीरियड्स इसमें है, आपको क्या करना है इस डिस्प्ले ऑल ऑफ पीरियड्स में क्लिक करना है। करने के बाद आप कौन सा फोटो चाहिए, यानी 1 महीने के अंदर, 6 महीने, 12 महीने, एक मोर देन 1 ईयर, तो मुझे चाहिए जैसे कि मोर देन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल पहले का जो फोटो मुझे था, ठीक है। देखिए क्लिक करने के बाद जो रिसेंट था वो ऑटोमेटिकली उसमें हट जाएगा, अब 1 साल पहले जो फोटो था वही आएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैं डिलीट कर चुका हूँ वो फोटो, एक मिनट, आई होप मेरा फोटो है वो। तो देखिए जैसे कि ये वाला फोटो मेरा ये फोटो, ठीक है, देखिए ये वाला ये भी है। तो देखिए इसके अंदर मेरा क्या क्या है, मेरा वीडियो भी है, फोटो भी है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ही
तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है। करने के बाद आप इसको, जैसे मैं 3 फोटो लिए, मैं इसको रिस्टार्ट कर दिया, ठीक है। करने के बाद देखिए इसमें सक्सेस टू रिस्टार्ट। तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं अपना जो गैलरी है उसमें मैं जाकर चेक करूँगी कि एक्चुअली ये काम किया है या नहीं, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करूँगी, मैं मिनिमाइज़ कर लूँगी इसको, और मैं गैलरी में जाऊँगी। जाने के बाद मुझे चेक करना है कि गैलरी में मेरा फ़ोटो आया है या नहीं आया। तो देखिए लास्ट 30 डेज़ में, ठीक है, देखिए इसमें देखिए फ़ोटो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इजीली, आपका कोई भी फ़ोटो अगर डिलीट हो जाता है, कोई भी कुछ भी, तो आप इजीली आप अपना मोबाइल से, मोबाइल पे इजीली इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। और आप उसको इजीली इजीली यानी चुटकियों में आप किसी का भी फ़ोटो आप रिकवरिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, और कुछ बताना चाहते हैं और आपको कुछ सीखना है, आपका कुछ सीखने का वीडियो आपको डालने के लिए आप बोलना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं कोशिश करूँगी कि उसी आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो वीडियो वगैरह चाहिए जिस सीखने के लिए, तो मैं उसमें ज़रूर बना के आपको दूंगी। और प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर अलाउ कर देना, क्योंकि मैं इस तरह रोजाना वीडियो डालते रहता हूँ आप सभी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।